नमस्कार, पूनम राठी रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम पनीर पराठा बनाएंगे। हम सभी जानते हैं पनीर हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। पराठा हम ब्रेकफास्ट और डिनर में भी खा सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से पनीर पराठा बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम आटा गूंद के लेंगे। आटा बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, 1 टेबल स्पून घी, 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक। सब इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेंगे। सब इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम नॉर्मल पानी से आटा गूंद के लेंगे। रोटी के आटे जैसा ही हम सख्त आटा लगाएंगे। आटा अच्छी तरह गूंद कर रेडी हो गया है। इसे हम ढक देकर 15 मिनट तक सेट होने के लिए रखेंगे। हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए पैन में 1 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम 1 पिंच हींग, 1 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां का पेस्ट, 1 बारीक कटा हुआ ऑनियन ऐड करेंगे। अच्छी तरह से भून कर लेंगे। ऑनियन अच्छी तरह से भून गया है, कलर भी चेंज हो गया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिरी पाउडर मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 250 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम फास्ट रखेंगे। 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और ऊपर से हम हरा धनिया ऐड करेंगे और मिश्रण को हम नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रखेंगे। मिश्रण अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम पराठा बेल कर लेंगे। आटा बीक के रेडी हो गया है। आटे को एक बार अच्छी तरह मसल कर लेंगे। हम एक मीडियम साइज का गोला तैयार कर लेंगे। गोले को हम सूखे आटे में लपेट कर लेंगे और एक छोटी पूरी बेल कर लेंगे। मसाला भर कर लेंगे। मसाला अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा भर सकते हैं। इस तरह से प्लेट के ऊपर प्लेट लगाकर फोल्ड कर लेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्शन निकालकर आटे में मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से दबाएंगे, सूखे आटे में लपेट कर लेंगे। चारों साइड से हल्के हाथों से हम पराठा बेलेंगे। हमें ध्यान देना है, पराठा हल्के हाथों से बेल कर लेना है, यानी पराठा हमारा फूटेगा नहीं। पैन को गर्म करने के लिए रखा था, पैन गर्म हो गया है। इसके ऊपर हम पराठा रखेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम फास्ट रखेंगे। इसे अब हम पलट कर दोनों साइड से सेक कर लेंगे। पराठे के ऊपर घी लगाकर सेक कर लेंगे। पलट कर दोनों साइड से घी लगा कर लेंगे और दोनों साइड से ब्राउन होने तक सेक कर लेंगे। इस तरह से हमें चारों साइड से सेक कर लेना है। यह हो गया पराठा सेक कर रेडी। पनीर पराठा बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया है, जिसे हम हरी चटनी और सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ट्राई कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।